जी जनाब, हम बनाने लगे हैं जी पिनविल्स, जो आप सबने भी जरूर ट्राई किए होंगे। लास्ट रमजान हमने भी ट्राई किए थे, तो आपको पता है कि रमजान के बाद दूसरे रमजान तक काफी टाइम गुजर जाता है, तो देखते हैं आज सेम वो बन पाते हैं वैसे जैसे इसकी रेसिपी है या कुछ 19-20 होती है। आज अल्लाह खैर करे हम भी ट्राई करने लगे हैं पिनविल्स। तो यहाँ पे मैदा ले लेते हैं, मैं तो 2 कप लूंगी, बाकी अब मुझे नहीं पता कि आप सब किस हिसाब से बनाते हैं। 1 कप, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 2 कप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि हम इसका क्या करते हैं। और ये जी 2 कप मैदा है, ठीक होना चाहिए, गर्मी बहुत है, आपको इजीली मिल जाएगा जी मेल्टेड घी भी। मैं ये 2 कप है तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिया जी घी। नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा, नमक है जी ये 1/2 टीस्पून और अजवाइन और जीरा। मरियम की तरफ वहां से आई नहीं, वो खुद गांव चली गई, वहीं से प्ले कर दो, कर लिया वा, थोड़ी सी हो गई है मिस्टेक। ये जी जीरा 1 टीस्पून है और कभी, और इसमें डालेंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून। अब इसको हम गूंद लेंगे, लेकिन इसको हमने सख्त रखना है, पता ही होगा आपको भी सख्ती रखा जाता है। ये आलू हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए थे, ये तकरीबन है जी 1/2 किलो हैं, ठीक है, ये मैंने सारे बॉईल करके इन्हें मैश कर लिया। यहाँ पे चिकन था जी मेरे पास 500 ग्राम था, उसको मैंने बॉईल करके स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, चिकन डाल लेते हैं और मैं इसमें ये 3 से 4 चम्मच ऑयल है, क्योंकि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, 2 चीज़ों की हैं, इसलिए मैंने इतना डाला है। बस अब आप सबने मिलकर दुआ करनी है कि ये मेरे से अच्छा बन जाए। फ्लेम को मैं बिल्कुल दम वाला कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है मैंने। नमक एज यूजुअल पर टेस्ट होगा, इसे हम टेस्ट जिसका रोज़ा अगर मेरा ना हो तो टेस्ट भी करवा सकते हैं हम। धनिया पाउडर मेरे से गिर गया नीचे, 1/2 टीस्पून डाला है। अजवाइन मैं हाथ से ही डालूंगी थोड़ी सी, जो जरा इसमें टेस्ट अच्छा देगी, क्योंकि अजवाइन हमने पहले डाली थी चीज़ में, नहीं 2 में डाली थी जो हमने बनाई थी। जीरा भी तकरीबन 1 टीस्पून है, वन टी स्पून भर के, इतना फुल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कि टिक्का मसाला ज़रा स्पाइस में ये मज़े का लगेगा। और जी चाट मसाला है जी यहाँ पे, ये भी मैं, अरे इधर कुकर चल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है ये भी 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया, कमी बेची हम बाद में पूरी कर सकते हैं जब इसमें आलू डालेंगे, ठीक है, मसाला कम हो गया तो हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जुगंध मचाया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे भी काम होते हैं, कुंवर लड़कियाँ कुंवर समझते हैं। इसमें लहसुन अदरक का लहसुन अदरक का पेस्ट जाना, मेरे पार्टनर ने याद दिला दिया मुझे, लेकर आती हूँ। ये देखें जी, ये 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे यहाँ पर थोड़ा सा बीच में पका लेंगे ताकि इसकी स्मेल नहीं आए सारे। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, मुझे लगता है हमने कामयाब हो जाना बनाने में। सबका अपना अपना तरीका है, हमने चाट मसाला टिक्का मसाला इस्तेमाल किया, लाल मिर्च नहीं यूज़ की, आप जैसे भी बनाते हैं आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी डालें। ये 5 खाने के चम्मच ऑयल इसके अंदर दोबारा जा रहा है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं साथ साथ जो मसाले डालूंगी, जीरा है जी 1 टीस्पून, क्योंकि अब इसके अंदर आलू जाने ये उसके लिए जा रहा है, उस मसाले के लिए नहीं है, डालूंगी। ये जो
चिली फ्लेक्स हैं जिन्हें हम फ्लेक्स कहते हैं, जड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये मैं डालूंगी जी। 2 टीस्पून डाला है, 1 चुटकी इसमें अजवाइन है, ठीक हो गया। इसको हम मिक्स थोड़ा सा कर लें ऑयल में, और जी फिर इसके अंदर हम डालेंगे आलू। डालो ये जी जनाब, इसके अंदर डाल दिए हैं आलू। अब इसको बढ़िया प्यार से मिक्स मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पैन से भाई छलांग लगाते हो। ये मैंने गंद डाल दिया है, बाकी का मेरा पार्टनर डालता हूँ। ये किसने कान खाए हैं, यकीन माने से मेरे कान खाए हैं सुन सुन कर। इतना जोर से बोल रही हूँ मैं इसकी वजह से। ये जो डो थी जो गूंदा था पहले, ठहर जो भाई नोजी में कुछ हो रहा है, उसको उसके अंदर ये देखिए आप फिलिंग इस तरह से हम लगा लेंगे। तो ये फिलिंग ज्यादा नहीं, बारीक लिया नहीं बनानी थी। अच्छा भाई, अच्छा चले खैर, होप फॉर द बेस्ट कि ये काम अच्छा हो जाए। 4.5 इसको इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैलाकर फिर हम इसका रोल रोल बना देंगे। इसके साथ मैं एक और चीज भी बना रही हूँ, दोनों दिखा देते हैं। ये देखें जी, उसी मटेरियल के साथ वो जो आलू वाली फिलिंग है उसके साथ ही ये देखें अनियन रिंग्स, ये मैंने कुछ काट के भी रखे हुए हैं। बस प्याज ज़ाया ना करते हुए आपको हर साइज़ का रिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए इसके बीच में चीज़ लगाया हुआ है, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना बाहर चीज़, ये वाला ये चीज़ है, इसके बीच में चीज़ है और बाकी फिलिंग वही है। बीच में वो रख के ऊपर से इसकी टॉपिंग करके इसे बंद कर दिया है। इसको भी जब फ्राई करूँगी तो बता दूँगी। और ये यहाँ पर रोल होना शुरू हो गया है, ये देखें जी एक खट्टा खट्टा रोल बन गया है। इसको हम छुरी से कट करके इसके व्हील्स बनाकर फिर आपको वीडियो दिखाएंगे। ये देखें जी हमारे तो पिन व्हील्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं, घर वाले खा के बताएंगे। अरे घर वालों को सजा। ये है जी पिन व्हील, हमने धागे से भी कट करने की कोशिश की है। चिकन बदतमीजी कर रहा है बीच में। इस तरह से आप उसको शेप दे दें और ये देखें कितना प्यारा पिनव्हील बन गया। चाहे आप बच्चों को दे दें, वो गाड़ी को लगा के खेल लें, क्या फर्क पड़ता। ये देखें जी ये फाइनल इनकी शेप्स दे दी हैं हमने, ये देख लें जी जनाब, ये देखें ये हो गए। ओहो प्याज आ रहा बीच में, काटा था ना वो भी। ये देखें जी ये है इसकी फाइनल, इस तरह से आ गए हैं। अब जब ये फ्राई करेंगे तो भी दिखा देंगे, पता भी होगा आपको। चलेंगे ये देखें जी ये फाइनल हो गया फ्राई करने के बाद, ये पिनव्हील्स हो गए और ये अनियन रिंग्स हो गए। थोड़ी सी तो कामयाब हो ही गई हूँ, टेस्ट में अच्छे हैं, शक्ल इसकी जैसी भी है। मैंने टेस्ट करवाए हैं जिस बंदे को रोजा नहीं था, कभी नहीं भी होता किसी का, चलो खैर नहीं था रोजा एक बंदे का हमारे घर में, तो ये उसे टेस्ट करवा लिए मैंने। और ये जनाब फाइनल हो गया, कल फिर कुछ और नया ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा बन जाए। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।